क्या दिक्कत है माता जी आपको? हमारे ही गांव के इब्राहिमपुर तलीसा के उर्फ नंदलाल ने हमको मारा था, उसका 2012 में भी मुकदमा है, मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। वो आदमी भी चरवा है, वो बेचारा न्यायालय में पैरवी नहीं कर पाता, उसके दलाल उसके गुंडा पैरवी करके उसके भाई को नौकरी दिला दिए, और जब से नौकरी में हो गया है नॉर्मल आदमी का जीना दुश्वार किया। आप पत्रकार हैं, हम बार बार अपने भाई पत्रकार। आज आप एडीएम साहब के आई हुई थी, क्या आश्वासन दिया आपको? कुछ नहीं, चिल्ला के बोलते हैं कुछ नहीं हुआ और न कुछ होगा गरीबों का, न कुछ होगा। आज के बाद हम आपके सामने दिखेंगे भी नहीं कि कोई गरीब आके इतने बड़ी लैंग्वेज में प्रशासन के सामने बात कर सकेगा। हम ही पीड़ित है, हम ही जमानत कराते हैं बार बार, नहीं तो चल के देखिए, आप वीडियो देख लीजिए, खुले आम गुंडा गर्दी करता हम जंगल में है। कितनी बार जो है प्रशासन से या फिर यहाँ के सक्षम अधिकारियों से आप गुहार लगा चुकी हैं? 1.5 साल में सोचिए, 29 मई से आज तक हम सुबह के आपको बोलने से आप हमको पहुँचाएंगे नहीं, सुबह पानी पी के हमको दिन भूलता नहीं है। और वो मुकदमा करा है मेरे खिलाफ, कर मैं सीओ साहब के पास आई, मुझे पता चला एनसीआर लिखा गया, जिसके साथ घटना होगा वो भूलेगा दिन तारीख, आप बोलिए नहीं ना भूलेगा। हम वो बोलते हो प्रशासन ना दिखा नहीं रहे थे उसको, ये रहे कि गरीब अपना समस्या स्वयं खत्म कर ले, यही आग लगा के कोई प्रशासन कुछ नहीं करेगा। आज समाधान दिवस पे आपने कोई एप्लीकेशन दिया? बहुत दे के रखे है, आज तो हम संजोग से सब घर में रखे थे, रख कर आए, हमको नहीं पता था। हम न्यायालय में आए हैं कि न्यायालय का काम करें, हमको पता चला कि एडीएम आया, थोड़ा सुने थे, अगली बार हम पीड़ित है, हमारा वीडियो भी देख लीजिए आप, ये सुने थे तब आए। और महिला डीएम है, मैं इस तरह टेचर पर लेटा के गई, मेरी कोई सुनी नहीं, बोली कि जाओ एसपीआरओ के पास जाओ, एसपी साहब पहले उनके पास गई, ये जो एसपी साहब है ये तो माना इतना प्रूफ देते कि 10 दिन के अंदर जिंदगी भर एसपी साहब कुछ नहीं करेंगे। उसका भाई अयोध्या में आज कारीगरत है, दरोगा लिख के दिए ओम प्रकाश यादव भीतरी।